नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है वर्कआउट पावर। आज हम आपको शोल्डर और पेट के लिए कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ पे और पेट को कम करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल को एनेबल कर दीजिए जिससे आपके पास टाइम टाइम पे जो भी नई वीडियोस आ रहे हैं या नोटिफिकेशन है वो आपके पास आते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो हम 10 डिफरेंट टाइप के प्लैंक करेंगे जिससे हमारे शोल्डर्स पे और पेट पे इफेक्ट पड़े। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्लैंक है उसमें ये बिगनर्स के लिए, इसमें हमें यहाँ पर इस पोजिशन में आना है और यहीं पर होल्ड करके रखना है अपने बॉडी वेट को। इससे सारा बॉडी वेट हमारे शोल्डर्स पे आएगा और हमारे शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसको हम 30 सेकंड, 40 सेकंड जितना ज्यादा हम कर सकते हैं उतना हमें करना है। सेकंड एक्सरसाइज में हमें अपने दोनों एल्बो पे जो प्लैंक की पोजीशन होती है उसमें आकर अपने बॉडी वेट को होल्ड करना है इस तरीके से। थर्ड एक्सरसाइज में हमें प्लैंक पोजीशन में रहना है और इधर बैक साइड पे दोनों पैर ना रखते हुए सिंगल लेग पे बॉडी वेट को लेना है इस तरीके से। फोर्थ एक्सरसाइज में हमें प्लैंक पोजीशन में रहेंगे, पीछे जैक्स करने। इस तरीके से फिफ्थ एक्सरसाइज में हमें प्लैंक पोजीशन में आकर अपने अपोजिट साइड के शोल्डर को टैप करना है। इस तरीके से सिक्स एक्सरसाइज में हमें अप एंड डाउन करना है। इसमें हमें एक बार इस पोजीशन में और एक बार इस पोजीशन में इस तरीके से हमें अप एंड डाउन को करना है। सेवेंथ एक्सरसाइज में हमें प्लैंक पोजीशन में साइड प्लैंक पोजीशन में आना है और अपना बॉडी वेट एक साइड पे होना है इस तरीके से। एट एक्सरसाइज में हमें जैसे हमने सेवेंथ में करा साइड पोजीशन में, उसी पोजीशन में आकर अपने इस हाथ को ऊपर और इस पैर को ऊपर यहीं पे होल्ड करना है।
नाइन्थ एक्सरसाइज में हमें प्लैंक पोजीशन में आकर अपने फोर्थ साइड की वेस्ट को टच करना है। देखिए इस तरह, इस तरह से हमें एक्सरसाइज नंबर नाइन को करना है। लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 10। इसमें हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोलर बोलते हैं। तो इसमें हमें प्लैंक पोजीशन में आकर अपने अपोजिट साइड के हैंड को और अपोजिट साइड के पैर को भी उठाना है और कंट्रोल। देखिए इस तरह, इस तरह हमें एक्सरसाइज नंबर 10 करना है। थैंक्स टू ऑल, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। अब हम आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और एक्सरसाइज को करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।